एक समय की बात है, एंजांटिया राज्य में नाओमी नाम की एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसके लंबे लहराते सुनहरे बाल, चमकदार नीली आंखें और एक मुस्कान थी जो पूरे राज्य को रोशन कर सकती थी। राजकुमारी नाओमी को उसकी करुणा और उदारता के कारण राज्य के सभी लोग प्यार करते थे। वो अक्सर अपना दिन ग्रामीणों से मिलने, उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी मदद करने के तरीके खोजने में बिताती थी। चाहे वो भूखों के लिए भोजन उपलब्ध कराना हो या जरूरतमंदों के लिए कपड़े, राजकुमारी नाओमी हमेशा अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ी। एक दिन राज्य में भयानक सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और जानवर पीड़ित हो गए। लोग पानी के लिए बेताब थे और राजकुमारी नाओमी जानती थी कि उसे इसका समाधान ढूंढना होगा। वो विस्परस के रहस्यमय जंगल की यात्रा पर निकल पड़ी, जहां कहा जाता था कि एक जादुई कुआं किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। जैसे ही राजकुमारी नाओमी जंगल में गहराई तक गई, उन्हें विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और साहस कभी कम नहीं हुआ। उसे खतरनाक प्राणियों, विश्वासघाती रास्तों और यहाँ तक कि एक दुष्ट जादूगरनी का भी सामना करना पड़ा, जिसने उसे कुएं तक पहुँचने से रोकने की कोशिश की। आखिरकार कई दिनों की दृढ़ता के बाद राजकुमारी नाओमी जादुई कुएं तक पहुँच गई। उसने घुटने टेक कर अपनी इच्छा व्यक्त की और अपने राज्य की प्यास बुझाने के लिए बारिश की मांग की। जैसे ही उसने अपनी इच्छा पूरी की, आकाश में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी, जिससे भूमि का पोषण हुआ और लोगों में आशा जगी। राजकुमारी नाओमी की वीरतापूर्ण यात्रा और उनकी इच्छा की खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने खुशी मनाई। उन्होंने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में मनाया और उसका नाम साहस और निस्वार्थता का पर्याय बन गया। उस दिन के बाद से राजकुमारी नाओमी ने दयालुता और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा, हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखा। वो न केवल एंजांटिया में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। राजकुमारी नाओमी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता फल ला सकती है। उनकी विरासत जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को दयालु, बहादुर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है।